thank mm -hmm. you वालेकुम व्यूअर्स हाउ आर 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 यू यू ऑल ऑल होप फाइन फाइन वी आल्सो तो जनाब वीडियो के थंबनेल से तो आपको पता चल ही गया होगा कि आज की वीडियो है क्या है क्या तो बस हम उसी की तैयारी कर रहे थे उसी की तैयारी कर रहे थे और प्रीव्यू में भी आप देख चुके होंगे कि हमने क्या बनाया और क्या नहीं बनाया तो जनाब आज की वीडियो थी पोस्टर मेकिंग की वीडियो तो आज हम बनाने जाए थे पोस्टर और पोस्टर था किस बात का पोस्टर था ये कि भाई ईजान को ईजान को सिलेक्ट कर लिया गया था इलेक्शन के लिए इलेक्शन हो रहे हैं उनके स्कूल में तो हेड बॉय के इलेक्शन के लिए ईजान को सिलेक्ट क्ट कर लिया गया तो तो उनको कहा कि अपनी इलेक्शन कैंपेन के लिए आपने बना के लाना है बड़ा जबरदस्त आई कैचिंग आई कैचिंग पो, पोस्टर बना के लेकर आना है तो उसके लिए हम कर रहे थे पोस्टर तैयार और उससे पहले कि, पोस्टर तैयार करने से पहले के जो मरल थे वो मैंने आपको बताए नहीं वो मरल ये थे कि चूँकि थी नेक्स्ट डे ईद मिलादुलनबी ईद मिला वसलम यानी कि बर्थडे ऑफ हज़रत मोहम्मद सल्लाम तो नेक्स्ट डे होने वाली थी तमाम मार्केट्स और तमाम बुक शॉप्स वगैरह बंद तो तमाम बुक शॉप्स वगैरह बंद तो इसके इसके पोस्टर मेकिंग से पहले का मरहला कुछ यूँ था कि उससे एक दिन पहले शाम को हम गए ऐजान रूहान और मैं हम लोग क्योंकि जब तक इनके बाबा आते तब तक, तक मार्केट बंद हो जाती इस हम लोग गए हमने जाके ईज़ान की पिक्चर्स पिक्चर वगैरह कैप्चर करवाई पिक्चर वगैरह कैप्चर करवाई उसका प्रिंट आउट लिया उसके अलावा बुक शॉप से सामान खरीदा सारा ये जो कंप्यूटर शीट्स वगैरह क्योंकि स्टेशनरी हमारे पास घर में मौजूद थी लेकिन इट वॉज नॉट डेट इनफ नॉट डेट इनफ तो हमने कुछ जो नेसेसरी चीज़ें थी हमने ली जैसे जिसमें शामिली कार्ड शीट ग्लीटर शीट्स एंड कंप्यूटर पेपर मेरे पास बहुत सारे थे और जर्मन ग्लू नहीं थी हमारे पास तो तो जर्मन ग्लू लिए और कट मार्कर्स लिए और यहाँ पे जी जनाब बस हमने जो है ना कहते हैं सबसे पहले जो है हमने पोस्टर बनाने के लिए कार्ड शीट हमने वाइट ली हमने कहा वाइट बेस लेते हैं उसके ऊपर हम उसके ऊपर जो भी करेंगे वो तो चीज़ उठेगी तो हमने वाइट बेस वाइट कार्ड शीट ली सबसे पहले हमने बॉर्डर बना लिया उस पर पेंट कर लिया और पेंट आप देख ही रहे होंगे कि मैंने करा साथ भी कर रहे थे हम दोनों मिल बाट के कर रहे कर रहे थे मिल बाट के मुराद ये कि ऑब्वियसली मैं उनको गाइड कर रही थी गाइड कर रही थी बिकॉज और बस यहाँ पे जो है इनका सिंबल इनको टीचर ने इनके दिया था फायर फायर दिया तो हमने सोचा कि फायर जो है हम बनाएंगे ग्लिटर शीट से ग्लिटर ग्लिटर शीट से हम फायर बनाएंगे तो बस हम ये फायर बना लेते थ्री कलर्स में फायर बनाएंगे जो उसका फायर जो हम थ्री कलर्स में बनाएंगे जो फ्लेम है उसका जिसमें गोल्डन गोल्डन कलर ऑरेंज कलर और रेड कलर शामिल था साथ ही साथ ये जो लॉक्स थी ये लॉक भी हमने बना दिया और ये हमारा हो गया था सिंपल तैयार और ये थी वो पिक्चर जो कि हमने करवाई थी कैप्चर कैप्चर जाकर और ये बस जो है जनाब ये और मैंने बहुत कोशिश करी इस पर स्प्रे भी करा था हेयर स्प्रे भी लेकिन फिर भी इनके बाल जो है ना आगे आ गए थे खैर एनी हाउ ये पिक्चर हमने पेस्ट करी और ये हमारा जो ना कहते हैं पोस्टर मेकिंग शुरू हो चुकी पिक्चर वर्जन तो यहाँ पर जनाब मैं मैरी गोल्ड मैरी गोल्ड फ्लावर बनाने जा रही थी मैरी गोल्ड फ्लावर बनाने के लिए मैंने कंप्यूटर शीट की एक लंबी स्ट्रिप काटी टू सेंटीमीटर की और यहाँ पे देखिए जनाब मैं यहाँ पे लगा रही हूँ कट्स कट्स लगा रही हूँ बीच में इसी तरीके से हम सारे कट्स लगा लेंगे और कट लगाने के बाद आपने करना क्या आपने करना है कि जिस साइड से आपने कट लगाना है उस साइड पे नहीं बल्कि अंदर वाली साइड पे ग्लू लगा के और इसको पलट के जो है पलट के जो है इसको पेस्ट कर देना है देखिए पलट के पेस्ट कर दिया मैंने इसको अब फिर बाहर वाली साइड पर ग्लू लगा के इसको रोल कर लेना है इसको रोल कर लेंगे आप रोल कर लेंगे तो हमारे पास एक छोटे से फ्लावर की शेप आ जाएगी फ्लावर की शेप आ जाएगी और ये जाएगा फ्लावर के अंदर जो पॉलिट्स होते हैं पॉलिन ग्रीनस की जगह पर ये फ्लावर के अंदर जाएगा ये ये देखिए जनाब ये यहाँ पर जो मैंने इसको सर्कल सर्कल करते हुए इसको ये शेप दे ली अब जनाब यहाँ पे अब ईजान साहब कर रहे हैं ऐजान को समझ में आ गया था अब कैसे करना है तो वो मैंने फो टू सेंटीमीटर था तो ये उसका डबल है डोल डबल है फोर एंड अफ़ या फाइव सेंटीमीटर की स्ट्रिप काटी है इसको इसको जो है फोल्ड करा है फोल्ड करा है उस पर वैसे ही कट लगा दे रहे हैं कट लगा दे रहे हैं और देखिए जनाब कट लगाने के बाद आपने करना क्या है जैसे कि मैं पहले बता चुकी हूँ कि जिस साइड पर आपने कट लगाना है उस साइड पर नहीं उसकी बाहर अंदर वाली साइड पर आपने ग्लू लगा के इसको पलट कर जो ना कहते हैं पेस्ट कर देना है और यहाँ पर रूहान सूफियान सब बैठे हुए थे प्रोजेक्ट एक का बन रहा था लेकिन ये सब मिलकर साथ साथ देख रहे थे और यहाँ पे मैंने उसको पेस्ट कर दिया देखिए मोड़ के पेस्ट करेंगे तो कुछ इस तरीके से फूली फूली सी हो जाएंगी फिर बाहर फिर बाहर की साइड पे ग्लू लगा के वो जो अंदर हमने येलो छोटा सा फ्लावर बनाया था वो अंदर उसके गिरट जो है ना सबको उसको फोल्ड कर देना है गिट जब हम फोल्ड करेंगे तो कुछ इस तरीके से इसकी शेप आ जाएगी जैसे कि फ्लावर और फ्लावर के अंदर के जो उसके सीड्स और पॉलिस जो होते हैं वो इस तरह से ये देखिए जनाब ये हमारा ज़बरदस्त सा मेरी गोड फ्लावर हो चुका था तैयार अब जी जनाब एक फ़्लावर तो मैंने बना लिया था बाकी के तमाम फ्लावर्स जो है वो ईज़ान ने बनाए हैं ये सारे फ्लावर्स जो है ईज़ान ने बनाए हैं बस बच्चों को यही कहते हैं ना बच्चों को थोड़ा आप कॉन्फिडेंट दें तो वो खुद ब खुद करते हैं और वैसे भी मेरे बच्चे तो माशाला बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव हैं उनको इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है तो बस ये तीन फ्लावर्स ईज़ान ने तैयार कर लिए थे एक फ्लावर मैंने उनको बना के दिखाया था अच्छा जी ये उसके अलावा जो रोज़ फ्लावर है वो मैंने उनको नहीं सिखाया वो खुद ही उन्होंने यूट्यूब बहुत जो है आपके पास बहुत अच्छा मीडिया है आपके पास बस डिपेंड करता है आप उसको किस वे में जो है ना किस तरह से सीख सकते हैं तो बस यहाँ से उन्होंने यूट्यूब से वीडियो निकाली थी ट्यूटोरियल वहाँ से जो है ना ने ये रियलिस्टिक थ्री थी पेपर क्राफ्ट रोज़ फ्लावर बनाया था और ये कैसे बनाया था जहाँ मैं आपको बता चलूँ इन्होंने कंप्यूटर पेपर का जो है इस, स्क्वायर कट कर लिया था स्क्वायर कट कर लिया था आप उस स्क्वायर के फोर पेपर्स करेंगे फोर फोर पोर्शन्स करें फोर पोर्शन्स करें उसके बाद हर पोर्शंस को ट्राइंगल शेप में तीन बार जो है आपने फोल्ड कर दिया फोल्ड कर दिया फिर जहाँ से वो ओपन हो रहा है उस साइड से जो है हमने लीफ की शेप में कट कर लिया फिर जब हम इसको ओपन करेंगे तो वहाँ पर इस तरह से फ्लावर आ जाएंगे आपने करना क्या है अब पहले फर्स्ट फ्लावर फोर फ्लावर्स बन गए एक पेटल काटी उसको काटी उसको ज्वाइन कर दिया फिर दूसरे फ्लावर की दो पेटल्स काटी उनको ज्वाइन कर दिया उनको ज्वाइन कर दिया फिर उसके बाद थर्ड फ्लावर की तीन पेटल्स काटी और फिर उनको आपस में ज्वाइन कर दिया उनको ज्वाइन कर कर दिया सही तीन पेटल को रखकर बाकी जो रिमेनिंग जो फ्लावर होगा उसको आपस में ज्वाइन कर देंगे फिर फ्लावर को फ्लावर के अंदर रख दिया फोर्थ फ्लावर की फोर्थ पेटल काट के काट के उसको ज्वाइन कर दिया देखिए तीसरे फ्लावर के तीन पेटल काटी है इन्होंने तो पैटल काटिए और फिर इनको ज्वाइन कर देंगे और फोर्थ फ्लावर की चार पेटल काटेंगे और उनको ज्वाइन कर देंगे सही और फिर एक ये जो आपके पास आ गई हैं पेटल्स इसको एक पेटल को दूसरे अंदर के पेटल के अंदर ग्लू लगाकर इसको ज्वाइन कर देंगे और इस तरह से आपका बन जाएगा रोज़ फ्लावर और फिर अच्छा जो पहले जो आपने कटिंग कर करके साइड में रखी थी उसको भी आपने वेस्ट नहीं करना उसको भी इसी तरीके से ज्वाइन कर करके आपने फ़्लावर के अंदर इसको पेस्ट कर देना है देखिए आपका ज़बरदस्त सा रोज़ फ्लावर तैयार हो चुका अच्छा जनाब ये देखिए ये हो गया था ज़बरदस्त सा रोज़ फ्लावर तैयार हुई बहुत ही ज़बरदस्त प्यारा लग रहा था बिल्कुल देसी पिंक कलर का जो गुलाब होता है ना बिल्कुल जस्ट लाइक डैट वही लग रहा था ये वही लग रहा था जो बस जो है जनाब इसको जो ना ज्वाइनिंग कर दी और इजान ने ये सारे फ्लावर खुद ही बनाए थे खुद ही उन्होंने यूट्यूब से ट्यूटोरियल देखी इस रोज़ फ्लावर की और खुद ही बनाए थे बाकी फोर फ्लावर भी ईज़ान ने खुद ही बनाए थे रूहान उनको हेल्प आउट कर रहे थे कटिंग वगैरह करने में फोल्डिंग वगैरह में फोल्डिंग वगैरह में रूहान उनको हेल्प आउट कर रहे थे और इस तरह से तमाम रोज़ फ्लावर्स हो गए थे हमारे तैयार तैयार जो कि मुझे बहुत अच्छे लगे थे बहुत अच्छे लगे थे बस यहाँ पे जो है न हम असेंबलिंग करने जा रहे हैं जनाब तो ये असेंबलिंग करने के लिए देखिए जनाब मैं आपको करीब से दिखाऊंगी पर आपको लगेगा जैसे बिल्कुल रियल रोज रोज फ्लावर है तो जनाब यहाँ हम करने जा रहे थे असेंबलिंग ये देखिए ये वाला फ्लावर तो बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है ब्लू कलर का फ्लावर है ये वाला जो हमने येलो के साथ पिंक का कॉम्बिनेशन रखा है यहाँ पर हमने ग्रीन के साथ ऑरेंज फ्लावर रखा है और यहाँ ऑरेंज के साथ पिंक है ये देखिए बड़े ज़बरदस्त फ्लावर बन चुके थे और फिर जो वाइट वाइट शीट थी वो खाद खाली लग रहा था तो मैंने लाइन ड्रॉ करके यहाँ पे कर दी थी पेंटिंग और ये हमारा हो गया था पोस्टर तैयार और इनका सिंबल था था फायर और स्लोगन था, इनका था, फायर ऑफ पावर ऑफ लीडरशिप होप यू होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए शेयर कीजिए सब्सक्राइब करना हर की भूलिएगा बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे थैंक यू फॉर वॉचिंग अल्लाह हाफिज